को अनीस नाम का मुस्लिम व्यक्ति रविंदर फोगाट और उनके दोस्तों को अपनी गाड़ी से वहां से निकाल के सुरक्षित स्थान पे पहुंचा के आया। खुलेआम ये भड़काऊ भाषण दे रहा है कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, माला तैयार कर लेना। उस बिट्टू बजरंगी के ऊपर सरकार का ये बुलडोजर क्यों नहीं चला? दूसरे के घर को टूटते हुए देखकर आज आप हंसिए मत। आप आज आपको हंसने की नहीं, चिंतित होने की जरूरत है कि हमारे देश में कानून और संविधान का पालन नहीं हो रहा है। आज साथियों द हिंदू अखबार में एक खबर पढ़ी, जब उस खबर के शुरुआत में पढ़ा तो मन को दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, और जब उस खबर का बिल्कुल एंड पढ़ा तो मन बहुत परेशान और व्यथित हुआ, बेचैन हुआ। मसला यह था, द हिंदू अखबार ने आज एक खबर छापी है जिस खबर में उन्होंने ये कहा कि जिस दिन नूह में हिंसा हुई थी, नूह में पथराव हुआ था, उस दिन हिसार के एक व्यक्ति अपने दो दोस्तों के साथ जिनका नाम है रविंदर फोगाट, वो अपनी गाड़ी में वहां से जा रहे थे और अचानक से कुछ लोग हिंसा करते हुए पूरी एक भीड़ सामने से आ गई। तो जो रविंदर फोगाट वहां पे जो कोई काम, कोई टेंडर लेने गए हुए थे, वो ठेकेदारी का काम करते हैं और वो सरकार के भी बीजेपी के भी कुछ नेताओं से जुड़े हुए हैं, तो जब उन्होंने देखा कि सामने से एक भीड़ आ रही है तो वो अपनी गाड़ी से उतरे और पास में ही एक तीन मंजिल का एक बिल्डिंग थी, एक मकान था एक मुस्लिम व्यक्ति का जिसका नाम था अनीस। तो वो रविंदर फोगाट और उनके दोस्त जब उन्होंने भीड़ को देखा और वो जैसे साइड में हुए तो अनीस नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने उनको अपनी बिल्डिंग के अंदर, अपने मकान के अंदर खींच लिया, वहां पे उनको खाना दिया, वहां पे उनकी सुरक्षा करी, वहां पे उनका ध्यान रखा। और जब हिंसा खत्म हो गई, जब वहां टकराव खत्म हो गया, तो उसके बाद वो अनीस नाम का मुस्लिम व्यक्ति रविंदर फोगाट और उनके दोस्तों को अपनी गाड़ी से वहां से निकाल के सुरक्षित स्थान पे पहुंचा के आया। और जब उनको ड्रॉप किया तो रविंदर फोगाट ने और उनके दो दोस्तों ने उनका, अनीस का बहुत धन्यवाद किया और कहा कि जब भी आप हिसार साइड आओ तो हमारे घर जरूर आना, और अपना फोन नंबर देके चले गए। लेकिन उसके दो दिन बाद ही अचानक से अनीस ने रविंदर फोगाट को फोन किया और कहा कि जी हमने तो आपको प्रोटेक्ट किया था, हमने तो आपको बचाया था, हमने तो लोगों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन यहां पे बुलडोजर लेके, मशीनें लेके आ गया और मेरी तीन मंजिल की बिल्डिंग को गिरा रहा है। रविंदर फोगाट को भी बड़ी हैरानी हुई, उन्होंने द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार, द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रविंदर फोगाट ने वहां कंसर्न थाने में इन्फॉर्म किया कि भाई ये अनीस तो लोगों को बचाने में शामिल थे, ये दंगा करने में या पत्थरबाजी करने में शामिल नहीं थे। उन्होंने एसपी को भी वॉइस मैसेज भेजा और वहां नूह में जो बीजेपी के नेता है उनको भी फोन करके कहा कि भाई ये तो बचाने वालों में शामिल थे, अनीस के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उनके घर को मत तोड़िए। लेकिन तब तक उनके घर को सरकार की बुलडोजर ने, खट्टर सरकार की बुलडोजर ने उनके घर को तहस नहस कर दिया था, पूरे तरीके से उनके घर को खत्म कर दिया। जो व्यक्ति दंगे के समय में अपनी जान को हथेली पर रख के आम लोगों को बचाने में लगा हुआ था, आम लोगों को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था, उसके घर को इस बीजेपी सरकार की, खट्टर सरकार की बुलडोजर ने गिरा दिया। यह बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल, यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर का ट्रेंड, मन करता है किसी के घर को भी गिरा देते हैं, फिर ये मध्य प्रदेश में यह ट्रेंड चला गया, बुलडोजर ट्रेंड गुजरात में चला गया, दिल्ली में चला गया और भी हरियाणा में आ गया। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं साथियों, हमारे देश में कानून है, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे मामलों में हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है यह समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जो ये तीन चार दिन तक लगातार मेवात और नूह में सरकार ने अपना बुलडोजर चलाया और सैकड़ों बिल्डिंगें गिरा दी लोगों की, उसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ही स्वयं उस मामले पर संज्ञान लेते हुए सरकार को आदेश दिया कि आप इस तोड़फोड़ को बंद कीजिए। किसी दूसरे के घर को टूटते हुए देखकर आज आप हंसिए मत। आप आज आपको हंसने की नहीं, चिंतित होने की जरूरत है कि हमारे देश में कानून और संविधान का पालन नहीं हो रहा है।
और अगर सरकार को इतना बुलडोजर चलाने का शौक है तो हम सरकार से एक बात पूछना चाह रहे हैं कि जिस मोनू मानेसर ने दो दिन पहले वीडियो डाली उस ब्रज मंडल यात्रा से पहले, जिस मोनू मानेसर के ऊपर आरोप है कि उसने इस साल की शुरुआत में नासिर और जुनैद नाम के दो व्यक्तियों को जिंदा जला दिया, जिसके ऊपर गंभीर धाराओं में राजस्थान पुलिस द्वारा मामले दर्ज किए गए, और जब राजस्थान पुलिस कार्रवाई करना चाह रही थी तो कुछ हिंदूवादी संगठनों ने पंचायत कर करके ये कहा कि राजस्थान पुलिस को घुसने नहीं देंगे, राजस्थान पुलिस को वापस नहीं जाने देंगे अगर वो घुस गए तो, इस तरीके से कानून को सरेआम उन पंचायतों के माध्यम से जिन्होंने हाथ में लिया था, तो उस समय हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब मोनू मानेसर भड़काने के लिए उकसाने के लिए वीडियो डालता है कि वो जरूर आएगा इस यात्रा में अपनी टीम के साथ, तो उस व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो बजरंग दल का पिट्टू बजरंगी खुलेआम ये भड़काऊ भाषण दे रहा है कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं माला तैयार कर लेना, उस बिट्टू बजरंगी के ऊपर सरकार का ये बुलडोजर क्यों नहीं चला? एक मौलाना साध की गुड़गांव में हत्या कर दी गई तो उसकी हत्या के आरोपियों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे भाई, सरकार ने शपथ तो संविधान की किताब पे हाथ रख के ली है ना, किसी धार्मिक किताब पे हाथ रख के तो शपथ ली नहीं। और एक और बात, आज के दिन जो ये गोरक्षा के नाम पे जो कई लोग जो ये गुंडागर्दी करते हैं, हम उनको एक बात कह रहे हैं, अरे भाई गोरक्षा के ऊपर हरियाणा में पूरे भारत में एक कानून बना हुआ है, उस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गो हत्या में संलिप्त पाया जाता है तो हरियाणा में अन्य राज्यों में पुलिस है, सिस्टम है, पुलिस कार्रवाई करे गो हत्या करने वालों पे, पुलिस कार्रवाई करे गो तस्करी करने वालों पे। यह क्या मतलब हुआ कोई भी 10 लोगों का झुंड इकट्ठा हुआ और गोरक्षा के नाम पे वो कुछ भी करेंगे, हाथों में बंदूक लहराते हैं? ब्रजमंडल यात्रा जब ये हो रही थी बहुत सारी वीडियो सामने आई जिसमें यात्रा करने वाले अपने हाथों में लाठियां बंदूकें लेके गए हुए थे। हमारी क्लियर मांग है, हम स्पष्ट ये मांग करते हैं कि गलत करने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, जिसने गलत किया, जिसने हिंसा की है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई देश के संविधान और कानून के अनुसार होनी चाहिए। जो ये बेवजह गोरक्षा के नाम पे जो ये गुंडागर्दी करते हैं, बंदूकें हाथ में लहराते हैं, कार्रवाई इनके ऊपर भी होनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर देशों में शामिल है, बीफ में भैंस के मांस को भी इंक्लूड किया जाता है, गाय के मांस को भी इंक्लूड किया जाता है। वैसे भारत में गौ हत्या पे बैन है, गौ मांस की निर्यात पे बैन है, लेकिन यदि बात करें बीफ की जिसमें भैंस का मांस भी इंक्लूड होता है, तो बीफ एक्सपोर्ट की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है अल कबीर। पहले तो आपको सुनने में यह लगेगा कि अल कबीर यानी किसी मुस्लिम की यह कंपनी होगी, लेकिन अल कबीर जो भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है उसका मालिक है सतीश सबरवाल। दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है अरेबियन एक्सपोर्टर, उसका मालिक है सुनील कपूर। चौथे नंबर की जो सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट की कंपनी है अल नूर, उसका मालिक है सुनील सूद। तो नाम तो चाहे अल कबीर हो, चाहे नाम कंपनी का अल नूर हो, चाहे नाम कंपनी का अरेबियन एक्सपोर्ट्स हो, नाम तो बिल्कुल मुस्लिम टाइप के रखे हुए हैं, लेकिन मालिक कौन है? सतीश सबरवाल, सुनील कपूर और सुनील सूद, तीनों हिंदू। तो ये जाति और धर्म के नाम पे बांटने का पेशा इन लोगों का बहुत पुराना है। आजादी से पहले भी उन लोगों की सरकार में इनके बड़े पूर्वज शामिल रहे हैं जिन लोगों ने देश को बांटने जैसी गलत और गंदी तरह की राजनीति करी थी। और अगली बात भाइयों, मुझे आप एक बात बता दो, जो लोग ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, आज के दिन एक आंकड़े के अनुसार गल्फ कंट्रीज यानी कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई में 22 लाख से अधिक हिंदू रह रहे हैं और करोड़ों भारतीय मुस्लिम कंट्रीज और अन्य क्रिश्चियन कंट्रीज में जाकर नौकरी कर रहे हैं।
और वहां से लाखों करोड़ों रुपए के तौर पे फॉरेन करेंसी भारत में भेजते हैं। कई करोड़ आदमी आज कनाडा, अमेरिका, यूरोप, गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज में जाके भारत के नौकरी कर रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए की फॉरेन करेंसी हर साल भारत में भेजते हैं। उनका परिवार उस नौकरी के आधार पर पल रहा है। अगर वो मुस्लिम कंट्रीज ये कह दे कि भाई हम किसी गैर मुस्लिम को नौकरी नहीं करने देंगे, अगर वो क्रिश्चियन कंट्री ये कह दे कि हम किसी गैर क्रिश्चियन को अपने देश में घुसने नहीं देंगे, तो फिर वो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा, उन करोड़ों भारतीय लोगों का क्या होगा जो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, उन करोड़ों हिंदू लोगों का क्या होगा जो अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, पश्चिमी देशों में जाके, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके अपना रोजगार कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। उस लाखों करोड़ों रुपए की फॉरेन करेंसी का क्या होगा जो हर साल भारत में वो भेजते हैं। तो ये वो दौर चला गया जब धर्म के नाम पे टकराव होते थे, राजनीति होती थी। आज का दौर ये ग्लोबल दौर है जो सबको अपने अंदर शामिल करेगा, जो गांधी जी के सर्वधर्म संभाव की बात करेगा वही आगे चल पाएगा। और एक और बात साथियों, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं, आप इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। ये राजनेता रोजाना हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपने देखा है किसी राजनेता का बेटा किसी कट्टर संगठन में शामिल हो, क्या देखा आपने कभी? इन राजनेताओं के बेटे तो कोई विधायक है या कोई सांसद है या फिर कोई विधायक या सांसद बनने की लाइन में है। सब इनके राजनेताओं के बच्चे अच्छी जगह सेट हैं। और हमारे और आपके बच्चों को जिनके हाथ में कलम किताब रोजगार होना चाहिए, उनको ये क्या कह रहे हैं? किसी को कहा जा रहा है तू बजरंग दल में शामिल हो जा, तू विश्व हिंदू परिषद में शामिल हो जा, किसी को ये PFI जो एक मुसलमानों का कट्टर संगठन है कोई उसमें शामिल कर रहा है। तो ये अपने बच्चों को तो सेट करते हैं, किसान मजदूर के बच्चों को ये कट्टर संगठनों की तरफ धकेलते हैं और उनके हाथ में कलम किताब रोजगार देने की बजाय तलवार, लाठी, डंडे, गोली, बंदूक ये पकड़ा देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा भाइयों, और जब आप समझोगे, जब आप इस चीज के बारे में जागृत होगे, तब काम चलेगा, अन्यथा काम चलने वाला है नहीं। अब सोचना आपको है, यह पूरा मुद्दा इसलिए सेट किया जा रहा है ताकि जो सरकार खेती किसानी, रोजगार, महंगाई, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, रक्षा नीति के मामलों में फेल हो गई पूरे तरीके से, अब उस पार्टी, अब उस बीजेपी पार्टी को यह लग रहा है कि जो आगामी लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, खासकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, वहां पे उनको अपनी बुरी हार दिख रही है, इसलिए वो कोरोना ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला बोतल से जिन निकाल के लाए हिंदू मुसलमान का। और अब आपको अपने बच्चों को जागरूक करना है कि इस तरह की किसी भी हिंसा में शामिल ना हो, किसी भी इस तरह की हिंसा का शिकार ना बने, किसी भी इस तरह की हिंसा की साजिश में बिल्कुल भी शामिल न हो, उससे दूर रहें और हर संभव हमेशा शांति का पैगाम देने का काम करें, शांति और भाईचारा स्थापित करने की कोशिश करें। क्योंकि जब शांति स्थापित होगी, जब भाईचारा स्थापित होगा, तभी हम सारे आगे बढ़ेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा और तभी हमारा ये मुल्क भारत हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा।